हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मम्मी और मैं जा रहे हैं दूसरी और साइड। कल की साइड हमने आपको दिखाया था पथरी मंदिर का, काली माँ मंदिर का, और आज हम दूसरी साइड जा रहे हैं। तो वहाँ मंदिर का नहीं है, मैं आपको अच्छा नज़ारा दिखाऊँगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ का व्यू दिखाऊँगा तो ऐसा भी दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, सामने खेत है, ये पूरा जोत रखा है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जोत रखा है जिसका प्लॉट है। और ये सामने रोड आ रही है तो वहीं से हम उधर से ही इसके लिए एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पर कॉलोनियाँ अलग अलग कॉलोनी के नाम से है, जैसे बंगाली कॉलोनी हो गई और ये भट्ट कॉलोनी हो गई। तो वो सामने भट्ट कॉलोनी दिख रही है, वो सामने दिख रही है। तो जहाँ दोस्तों आपको आगे का व्यू दिखाते हैं फिर कैसा कैसा है। दोस्तों ऐसी है यहाँ पर कुंडेश्वरी में, कुंडेश्वरी के हिसाब से गांव लगा लो, गांव ही है। तो ये आता तो काशीपुर में ही है, पर ये रोड ऐसी बनी हुई है। यहाँ के प्रधान जी हैं हमारे संजय प्रधान जी, तो वो यहाँ पर जो भी है रख रखाव करते हैं रोडों का। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसी है, तो बाकी देखते हैं आगे कैसा कैसा करते हैं। तो बाकी ये सामने खम्भे लगे हुए हैं, तो ये आसपास में जो भी है वो सामने डॉगी घूम रहा है। बहुत ही खुला एरिया है, घूमने लायक मस्त जगह है दोस्तों। ऐसा है यहाँ पर खुला खुला एरिया है। कुछ कॉलोनियों के नाम मुझे मालूम नहीं है, कुछ के मुझे मालूम है तो मैं आपको बता ही दिया है। भट्ट कॉलोनी हो गई है, अरे बंगाली कॉलोनी है सामने, मछली कॉलोनी है। कौन सी? उधर वाली, उधर वाली मछली कॉलोनी, वो मछली तालाब वाली कॉलोनी बोलते हैं उधर, मछली कॉलोनी बोलते हैं उस साइड को ना, क्योंकि मछली तालाब है सामने। वो देखो पूरा पूरा हरा हरा दिख रहा है जहाँ पर, तो मछली तालाब है वो। ये नीम का पेड़ भी है सामने, वो देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये है सामने भट्ट कॉलोनी। और ये अभी भाई साहब जो जा रहे हैं ना, ये इनका नाम, ये भी भट्टी हैं, भट्टी जात के हैं, तो यहीं से आया है ये इधर से अंदर से। और आसमान देखो कितना मस्त लग रहा है, तो सूर्य देव के भी दर्शन हो गए हैं हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो सामने अमरूदी अमृत के पेड़ लगे हुए हैं, लोगों ने जो है प्लॉट ले लिए हैं, अब ये पेड़ कटिंग है सारे के सारे। ये देखो वैसे जो ये सिस्टम है ना पेड़ काटने का, बहुत बेकार है दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ लगाओ और जीवन को सुरक्षित करो और पर्यावरण को स्वस्थ बनाओ। दोस्तों देखो कितने सारे पेड़ लगे हैं, अमरूद के लगे हैं सारे ही है। ये देखो वहाँ तक लगा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगा हुआ है, वो देखो सामने पूरा। तो एक ने तो बाउंड्री भी कर दी है चारों तरफ से। और ये सामने मकान बना हुआ है, ये अभी कुछ टाइम ही बना हुआ है, इसको ज़्यादा 4-5 महीने हुए हैं बने हुए। तो ये सामने मकान है, ये अपनी पहाड़ी है, ये पहाड़ के ही हैं सारे। ये सारे आस पास जितने भी मकान देखेंगे ये पहाड़ के ही देखेंगे सबके सब। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया क्यारी लगा रखी है आंटी जी ने, ये राई की लगी हुई है। बाकी आंटी जी पानी दे रही है। तो सामने देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रखा है और ये मौसम ठंडा हो रखा है। और ये ट्यूबवेल चल रहा है, ये ट्यूबवेल है खेत के लिए पानी ले जाने के लिए। तो यहीं से पानी जाता है ये सारे खेतों में। तो ये पीपल का पेड़ है सामने, ये सारा देखो वो रखिए सामने, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सट्टी, और ये है धान, धान लगी हुई है। एक घर ये सामने बना हुआ है, ये भी पहाड़ी पहाड़ी भाइयों का ही है।
और ये केले का पेड़ है सामने। तो यहाँ पहले इतनी प्रोग्रेस नहीं थी, अब इतनी अच्छी प्रोग्रेस होने लग गई है। तो दोस्तों आज तो हल्का हल्का धुंध सी लगी हुई है, और बोलते हैं कि ज़्यादा धुंध में, जब धुंध होती है ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें घूमना अच्छा नहीं होता है। जो जिसको मतलब सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जो शुगर वगैरह पेशेंट होते हैं, उनके लिए धुंध में घूमना अलाउड नहीं है ना, अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए उनके। सामने दोस्तों वो है मदर डेरी, डेरी बोलते हैं उसको, जहाँ मतलब दूध वगैरह लाते हैं, जहाँ से तो डेरी बना रखी है। वो भी अपने पहाड़ के ही हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, पर वो कभी कभार उनका आना जाना रहता है यहाँ पर, और उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले रखे हुए हैं, डेरी खोल रखी है, जो दूध दोते हैं वगैरह है, घास वगैरह न्यार वार लाते हैं जो, तो वो उनका है, तो वो उनको भैंसें रखी हैं, गाय रखी हैं। बाकी दोस्तों ये है सामने। तो यहाँ दोस्तों आपको खेती खेत मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर खेत से ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं लोग। यहाँ जैसे पहाड़ी हो गए हैं, सरदार लोग हैं, तो वो खेत से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, और नौकरी का यहाँ बहुत ही कम साधन है, तो इसी वजह से लोग अपना खेती में अपना जीवन का यापन करते हैं। तो ये खेत देखो कितने मस्त खेत लग रहे हैं, देखो अभी जला रखा है उन्होंने, तो अभी इसमें कुछ ना पता नहीं क्या बोएंगे, देखते गेहूं लगाएंगे अभी इसमें ना, मम्मी बोल रही थी गेहूं लगाएंगे इसमें। अब दोस्तों इसमें गेहूं बोएंगे अब, और ये देखो सामने कितना मस्त नज़ारा आ रहा है दोस्तों, मस्त लग रहा है, बढ़िया शांत माहौल है, ये देखो कितना प्यारा है, वो सामने मम्मी जा रही है, चलिए बोल रहे। तो दोस्तों देखो गाय भैंसों के लिए कितना वो रखा है, चरी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जुंडला बोलते हैं इसको, हमारे पहाड़ी लोग जो हैं जुंडला बोलते हैं, जुंडला इसकी झाड़ू वाड़ू भी बनती है ना, तो ये गांव में पहाड़ों में झाड़ू भी बनाते हैं, है झाड़ू भी बनती है इनकी, पहाड़ों में झाड़ू वगैरह बनती है इसकी। तो बाकी ये खेत है, बाकी ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, इसी वजह से थोड़ा यहाँ का वातावरण जो है ना थोड़ा शुद्ध रहता है। और हम भी जो है काशीपुर से काफ़ी अंदर रहते हैं, 7-8 किलोमीटर अंदर हैं, तो इसलिए यहाँ इतनी गाड़ी मोटरों का इतना वो नहीं है, और यहाँ पर साफ वातावरण है, खुला वातावरण है, इन पेड़ों की वजह से हमारा जीवन सही चल रहा है दोस्तों। और ये सारे जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये जोशी जी हैं हमारे, कोई पहाड़ के ही हैं, पोकड़ा साइड के, तो उनके ही हैं सारे, ये उनका मुर्गी का है, यहाँ मुर्गी पालन करते हैं वो। भाई साहब भी आ रहे हैं जॉगिंग करते हुए, वो भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और बाकी सामने आपको खेत दिख रहे हैं, ये है धान की खेत है, ये देखो कितने बड़े बड़े खेत है, ये सारे जोशी जी के हैं, इधर से लेके वहाँ तक पूरा जोशी जी का है, ये अपने पोकड़ा साइड के पौड़ी के हैं ये भी। दोस्तों मैं आज आपको ना दूसरी साइड लेके आया हूँ, तो ये भी यहाँ पर भी सारे आम के अमरूद के पेड़ हैं सारे लगे हुए, देखो कितना पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जीवन आम तो इससे निर्वाह करते हैं लोग, वक्त पेड़ों से, खेती से। दोस्तों ये आमने सामने सारे पेड़ ही पेड़ हैं, ये सामने रास्ता चल रहा है, और इसके अगल बगल में पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको,
ये देखो ये सारे अमरूद के पेड़ हैं, सफ़ेदा के हैं जिसको लिप्टिस के पेड़ बोलते हैं ना, तो ये वो पेड़ भी है लगे भी। तो इनके भी दोस्तों इनको भी बहुत अच्छी कीमत पे बिकते हैं, ये भी इनके भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। और ये अमरूद के जो पेड़ है इनको भी इनको भी जो है ना अमरूद तोड़ के और इनको बेचते हैं मार्केट में, इनका भी अच्छा दाम मिल जाता है। और सामने चौकीदार रखे हुए हैं, तो ये भी सामने घर बना रखा है, तो यहाँ पर इनकी फैमिली रहती है, मियाँ बीवी और बच्चे हैं दो। देखो कितना प्यार लग रहा है पिल्ला, ये देखो जूली रखा हुआ है, इसका नाम फीमेल है, ये कुतिया है क्या? हाँ कितना प्यारा लग रहा है। आजा आजा, चल रहा है घूमने, फिट बैठ रही है इस पे ड्रेस, फिट बैठ रही है ड्रेस पूरी की पूरी। मुलाकात कर ले, दोस्ती कर ले इससे, देख 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 दोस्ती कर रहा है, देख हाथ कर रहा है, हाथ मिला रहा है सुरकी। चलो 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 घर चलो, क्या मत आइयो। दोस्तों ये देखो सामने खेती खेत है, अरे बगल में घर बना हुआ है किसी का, तो ये भी इन्होंने यहाँ से पूरा बंद कर दिया, पार्टीशन लगा दिया, पूरा का पूरा दीवार घेर दी पूरी की पूरी। तो देखो इस सामने से, और ये इसके बगल में अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, भगवान जिसको बोलते हैं ना, बाग, अमरूद के बाग है। अरे वाह, तो हमारा तो ऐसे ही रहता है, हम जहाँ भी जाते हैं घूमने जाते हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी उधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं, तो आपको दिखाते रहते हैं हर जगह का व्यू। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये देखो ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल है, ये पानी है, ये कहीं ये पूरे खेत में जाएगा पानी, जगह जगह लोगों ने। और ये घर है सामने, और ये दो डोगी भौंक रहे हैं इसको देख के, और देखो सामने खड़े हैं दूर डर रहे हैं, वो देखो सामने डोगी, इसके पीछे पड़ा हुआ है हमारी सुरखी के पीछे। अब वो अंकल जी आ रहे हैं, वो अंकल जी परेशान हो गए हैं, उसको बोलते बोलते इधर आ इधर आ इधर आ। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, ब्लॉग पसंद आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मुलाकात कर ले, देख कितना प्यार लग रहा है पिल्ला।